हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर अनुप चौधरी, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, आदर्श पब्लिक स्कूल नवलगढ़ रोड सीकर। आज हम अपनी पहली ऑनलाइन क्लास में अपनी क्लास ट्वेल्थ की जो एनसीईआरटी बुक है उसके चैप्टर नंबर 7 यानी इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर अपन शुरुआत करें तो इंटीग्रेशन के बारे में मैं ये कहूँ आपसे कि अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो तो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, समाकलन अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया है। अब शुरुआत करते हैं अपन इसी लाइन से समाकलन के इंट्रोडक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा थोड़ा बहुत अपनी 11th क्लास में पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन के बारे में, उसी से हम समाकलन के कंसेप्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं, होता क्या है, हमारे पास में डिफरेंशिएशन में एक फंक्शन होता है y इज इक्वल टू f ऑफ x। इस फंक्शन में आप जानते हैं x एक वेरिएबल है जिस पर y डिपेंड कर रहा है, यानी वेरिएबल x को अपन कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल y को हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर यहां पर मैं आपसे ये कहूं कि x के मान में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है, द वैल्यू ऑफ x इज चेंज, अब चेंज का मतलब मे बी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज, द वैल्यू ऑफ x को अगर आप इंक्रीज करते हैं, मैं पहले डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन करता हूं उसी से हम इंटीग्रेशन के इंट्रोडक्शन तक पहुंचेंगे। तो दो चीजें दे रहा हूं मैं, राइट साइड के अंदर अगर आप अक्ष की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं और बहुत ही कम इंक्रीज करते हैं तो सीधी सी बात है उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, वाई की वैल्यू पर पड़ेगा। अक्ष की वैल्यू को मैंने इंक्रीज कर दिया अक्ष प्लस टेन एक्स, तो वाई की वैल्यू भी आपकी चेंज हो गई और मैंने इसको लिख दिया वाई प्लस टेन वाई। सेम ऐसे ही अगर अक्ष की वैल्यू को आप चेंज करते हैं, उसको डिक्रीज कर देते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी y माइनस डेल y इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस डेल x। अब यहां से मैं दो प्रोसेस एक साथ कर रहा हूं, y की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x, और यहां पर भी आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा f ऑफ x माइनस डेल y इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस डेल x। ये हम डिफरेंशिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, अवकलन के बारे में बात, इसी प्रोसेस से हम समाकलन की भी डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखिए यहां से मैं इस f ऑफ x को उधर लेके जाता हूं तो माइनस डेल y इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस डेल x माइनस f ऑफ, और यहां से अगर इस f ऑफ x को इधर लेके गया तो डेल y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x। अब दोनों साइड मैं डेल x से डिवाइड कर देता हूं तो अगली स्टेप जो अपनी आएगी वो क्या हो जाएगी, डेल y अपॉन डेल x इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस डेल x माइनस f ऑफ x अपॉन माइनस डेल x। मैंने यहां से ये माइनस जो है उसको यहां लगा दिया। सेम ऐसे यहां पर देखिए डेल y अपॉन डेल x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x अपॉन डेल x। ये हम डिफरेंशिएशन के अंदर पर अगर दोनों साइड आप लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट पुट करने का मेरा मतलब ये हुआ कि हमने जो चेंज किया है डेल x वो बहुत कम है, अल्प परिवर्तन की अगर अपन बात करें तो इस केस में इसको हम बोल देते हैं dy by dx। अच्छा सुविधा के लिए अपन क्या करते हैं डेल एक्स थोड़ा सा अजीब लगे लिखने में तो हम क्या करते हैं इसकी जगह पर अपने एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैं h काम में ले लेता हूं, h टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस x माइनस f ऑफ x अपॉन h, और यहां पर अपन लिख देते हैं dy by dx इज इक्वल टू लिमिट h tends to 0 f x plus h minus f of x upon h। ये दोनों फॉर्मूले हमने क्लास के अंदर पढ़े थे। अब देख रहे हैं ना
जो आपका पहला फॉर्मूला है आपके सामने dy by dx, इसमें क्या हो रहा है कि x की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज हो रहा है और वो भी लेफ्ट साइड के अंदर, मतलब हम x के मान को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और यहां पर x के मान को क्या कर रहे हैं, अपन बढ़ा रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं, राइट साइड में चले गए तो इसको कह देते हैं अपन आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव, हिंदी में दायां अवकलज। और यहां पर हमने क्या किया है, अक्ष के मान को थोड़ा सा डिक्रीज किया है, लेफ्ट साइड में चले गए अपन, तो एल एच डी यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बायां अवकलज। अब देखिए एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएबल कब कहा जाता है, अवकलनीय कब कहा जाता है, जब उस फलन का बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। ऐसी स्थिति में हम दोनों वैल्यू, जब आपको यह पता चल जाता है कि दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों बराबर हैं, तो हम दोनों वैल्यू करके सिंपल इसको dy by dx लिख दिया जाता है, और dy by dx इज इक्वल टू, इस अवकलज को शो करने के लिए हम काम में लेते हैं एफ डैश एक्स, ये हमारा अवकलज प्राप्त होता है। अब यहां से यहां तक की पूरी प्रक्रिया को देखिएगा हमने क्या किया। पहली बात तो मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं, ये आपका फलन है और ये इस फलन का अवकलज है। एक फलन के अवकलज को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं अवकलन, ठीक है। अब देखो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले इस फलन की इस प्रक्रिया के दौरान हमने दो काम किए, वो ध्यान से देखिएगा दो काम कौन से किए। सबसे पहला काम हमने किया कि यहां पर हमने अक्ष मतलब इसकी बाई सीमा और फलन का अंतर लिया, यहां पर हमने दाई सीमा और फलन का अंतर लिया, और फिर लास्ट के अंदर आपने एच से इसको क्या कर दिया, डिवाइड किया। मतलब अगर डिफरेंशिएशन के बारे में कहा जाए तो डिफरेंशिएशन क्या है, इज ए प्रोसेस ऑफ डिफरेंस एंड डिवाइड। मतलब डिफरेंशिएशन की प्रोसेस में हमने डिफरेंस लिया यानी अंतर लिया और डिवाइड किया यानी भाग लिया। दिमाग में रखिएगा ये बात कि हमने डिफरेंशिएशन की प्रोसेस के दौरान डिफरेंस लेते हैं और डिवाइड करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि इंटीग्रेशन इस प्रकार से किया जाए। एक ये जो लाइन है यही लिखी रहेगी कि डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंस एंड डिवाइड। अब इसमें देखिए इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में भी हमारे पास में एक फलन होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मान लीजिए कि इंटीग्रेशन करते समय मैंने इस फलन के ग्राफ की बात की और इस फलन का ग्राफ हमें इस प्रकार से प्राप्त किया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन को अगर मूल कंसेप्ट की बात करें तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि, अच्छा पहले मैं एक बार डिफरेंशिएशन के बारे में बात कर लेता हूं कि डिफरेंशिएशन से जो आपको मिला dy by dx is equal to f dash x, जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तब इसके बारे में बताएंगे कि ये जो है किस बात को इंडिकेट करता है dy by dx is equal to f dash x, ये किसी वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता को व्यक्त करता है। फिजिक्स के अंदर कई बार हम यूज करते हैं और हमारा भी चैप्टर जो प्रीवियस चैप्टर है इसके अंदर हम पूरी बारे इसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन हमारा आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के बारे में हम बात करें तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक कर्व है, एक वक्र है, और इस वक्र कर्व के एरिया को कैलकुलेट करना, मतलब मुझे ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये जो कर्व है इस कर्व का एरिया कैलकुलेट करने के लिए मैंने इस कर्व को छोटे छोटे रेक्टेंगल यानी आयतों में विभाजित कर दिया, कर्व को छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में विभाजित कर दिया। आप इस रेक्टेंगल की विड्थ जो है चौड़ाई है वो जितनी कम लेंगे, विड्थ जितनी कम लेंगे आपका एरिया है वो उतना ही प्रॉपर आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस
इसकी ये वाला जो पार्ट है ये कर्व शेप में है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। अब देखो अगर इस पहली रेक्टेंगल के एरिया की बात करें तो पहली रेक्टेंगल को मैंने यहां से इस प्रकार से देखा कि आप देख रहे हैं कि ये जो ट्राइंगल है ये छोटा सा हिस्सा यहां पर रह जाता है, इसमें भी यही चीज हो रही है, इस प्रकार से ये छोटे छोटे पार्ट्स यहां पर है। आप अगर इन रेक्टेंगल्स की विड्थ जितनी कम लेंगे आप देखेंगे कि जो रिमेनिंग पार्ट है वो उतना ही कम होगा। अब मैं किसी पर्टिकुलर एक रेक्टेंगल, अच्छा इन सब की विड्थ जो है वो अपन ने बिल्कुल बहुत कम ली है, मैंने उस अल्प चौड़ाई को dx से डिपेंडेंट, सभी की जो विड्थ है वो बहुत कम है, इसको मैंने dx से लिया। ठीक है, अब किसी पर्टिकुलर एक रेक्टेंगल की बात करते हैं, ये वाला रेक्टेंगल आयत, इस आयत का क्षेत्रफल एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू विड्थ, यानी लेंथ अगर ये वाली ले ली जाए जिसको y कह दिया जाए तो y इनटू dx। ऐसे ही मान लो कि पहली रेक्टेंगल की विड्थ जो है उसको मैं y1 नाम दे देता हूं, दूसरी की y2, तीसरी की y3, चौथी की y4, पांचवी की y5, छठी की y6, इस प्रकार से yn तक चले गए। ठीक है, अब पहली रेक्टेंगल का एरिया क्या लिखेंगे अपन, y1 इनटू dx लंबाई गुना चौड़ाई, दूसरी का क्या लिखेंगे y2 इनटू dx, तीसरी का y3 इनटू dx। ध्यान रखें इन छोटे छोटे रेक्टेंगल के ऊपर छोटा सा ट्राइंगल रिमेनिंग है, इसका एरिया यहां कैलकुलेट नहीं किया जा रहा है, ये वाला जो एरिया है वो यहां पर अनकैलकुलेटेड है। क्या इस प्रकार से मैंने सभी रेक्टेंगल्स के एरियाज को ऐड कर, ठीक है, अब जो पूरा एरिया फाइंड करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस पूरे एरिया को ऐड करना, ये आपका टोटल एरिया। ठीक है, आप देख रहे हैं कि सभी रेक्टेंगल्स की विड्थ जो है वो ने dx ली है, तो dx को मैं यहां से कॉमन निकाल लेता हूं, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस yn इनटू dx। अच्छा सभी का सम लिया जा रहा है तो सबके सम के लिए आप सिग्मा साइन यूज कर सकते हैं, y dx, मैं yn लिख सकता हूं, यानी ये जो रेक्टेंगल से ये कहां से एक से लेकर के एन, क्लियर हो रही है बात यहां से। अब देखो एक से लेकर के एन तक आपने ये यहां से लेकर के यहां तक एन पार्ट किए, अब मैं आपसे कहूं कि ये पार्ट बहुत छोटे छोटे पार्ट है, अगर ये पार्ट जितने छोटे होंगे नंबर ऑफ पार्ट्स क्या होगा उतने ही ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स जितने ज्यादा हो जाएंगे तो अगर आप बिल्कुल छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बनाते जाओगे तो यहां पर नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट, यानी एक से एन में लिख करके मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, एक से लेकर के कहां तक, इनफाइनाइट। अब ये जो एक से लेकर के इनफाइनाइट सम के लिए हम सिग्मा काम में लेते हैं, और इसी सिग्मा को अगर एक्सटेंड कर दिया जाए तो सम के लिए ही एक साइन यूज किया जाता है जिसे हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। तो अब देखिएगा ये क्या मिल गया आपके पास में, इसके लिए हमने ये साइन काम में ले लिया, और y fx ये आपके इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट है। कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी कर्व के अंडर जो एरिया आता है उस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज हो, आप देख रहे हैं कि जितने भी रेक्टेंगल्स बने हैं उनमें कुछ अनकैलकुलेटेड पार्ट यहां पर रह गया, उस अनकैलकुलेटेड पार्ट को शामिल करने के लिए मैं एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट स्वच्छ अचर राशि सी काम में लूंगा। लगभग ये चीज दिमाग में रहती है कि इंटीग्रेशन करते हैं तो ये सी क्यों लगाते हैं, इस सी का रीजन ये है अपने पास में
कि कुछ जो अनकैलकुलेटेड पार्ट यहां पर रह गया, उस अनकैलकुलेटेड पार्ट को बैलेंस करने के लिए हम एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, एक स्वच्छ अचर राशि सी यहां पर ऐड कर, ठीक है। तो अब इस पूरी प्रोसेस में देखिए हमने क्या किया, इस पूरी प्रोसेस में हमने मल्टीप्लाई किया, समझ रहे हैं बात को, और फिर हमने क्या किया, ऐड किया। मतलब यह हुआ कि इंटीग्रेशन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया और ऐड किया। अब वापस आ जाओ ये लाइन जो मैंने स्कूल में लिखी थी, डिफरेंशिएशन की प्रोसेस में हमने क्या किया, डिफरेंस लिया और डिवाइड किया। अब डिफरेंस का अपोजिट ऐड और डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई, इट मींस वी कैन से दैट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स प्रोसेस और इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। अवकलन और समाकलन एक दूसरे की व्युत्क्रम प्रक्रिया या प्रतिलोम प्रक्रिया। अच्छा, जिस प्रकार से मैंने आपको यह कहा कि एक फंक्शन से डेरिवेटिव प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन, अवकलन। फलन से अवकलज प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, अवकलन। सेम वैसे ही एक फलन से ये जो आता है इसको हम कहते हैं इंटीग्रल, यानी समाकल। समाकल और समाकलन दो अलग अलग बातें हैं। समाकलन एक प्रक्रिया है और समाकल उस प्रक्रिया का रिजल्ट है, जिस प्रकार से अवकलन एक प्रक्रिया है और अवकलज उस प्रक्रिया का रिजल्ट है। क्लियर है? हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझनी है यहां पर कि एक फंक्शन का जब आप समाकलन करते हैं, समाकलन के लिए मैं आई काम में ले लेता हूं, एफ एक्स डीएक्स, ये एफ एक्स मतलब वाई है, ठीक है, वाई इंटू डीएक्स, और ये समाकलन सबका योग करने के लिए, और प्लस सी किस लिए लगाया जाता है, उस अनकैलकुलेटेड पार्ट को शामिल करने के लिए। अच्छा, इसमें ये जो फंक्शन होता है, इस फंक्शन के लिए भी एक अलग से स्पेशल नाम होता है हिंदी में, समाकलने, यानी इंटीग्रेट, ठीक है। अब इतना तो पढ़ा है आपने, जो आपको पहली लाइन जो लिखनी है वो लिखनी है, सबसे पहली लाइन कि समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम इंटीग्रेशन is inverse of differences, ठीक है। जिसमें अपन फॉर्मूला की बात करें, जैसे सबसे पहला फॉर्मूला ले रहा हूं, अगर मैं आपसे ये कहूं अवकलन कीजिए, यानी डी बाई डी एक्स अक्स की पावर एन का, आपको क्या रिजल्ट मिलता है, पावर आगे आ जाती है अक्स की पावर एन माइनस वन, याद आ रहा है ये बात। अगर इसी फॉर्मूले से मैं आपसे ये पूछता हूं कि एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन को डिफरेंशिएट करो, तो देखो क्या होगा, ये एन प्लस वन पावर है, ये आगे आ जाएगी, और आगे जैसे आएगी नीचे एन प्लस वन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो क्या बचेगा, एक्स की पावर। यानी कि इस फलन का अवकलन करने पर आपको क्या प्राप्त हो रहा है, x की पावर n। तो अगर यहां से समाकलन का पहला सूत्र बनाया जाए तो आप क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, ये प्लस सी हमेशा लगाएंगे अपन इसे, ये आपका समाकलन का पहला। अक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन को
डिफरेंशिएट करने पर आपको एक्स की पावर एन प्राप्त होगा। कैसे होगा एक बार फिर से देख लीजिए, एक्स की पावर एन प्लस वन है तो पावर आगे आ जाएगी ऊपर वाले सूत्र से, पावर जैसे ही आगे आ जाएगी वो नीचे वाले पावर से क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, एन प्लस वन से एक कम होने का मतलब पावर कितनी होगी एन होगी। ठीक है, तो अब अक्ष इसका अवकलन करने पर अक्ष की पावर एन प्राप्त होता है, यानी कि अक्ष की पावर एन का समाकलन करने पर आपको क्या प्राप्त होगा अक्ष की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ओके, अच्छा दूसरा सूत्र इसमें लेता हूं। अच्छा एक चीज और यहां पर ये जरूर लिखेंगे कि इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू कभी भी माइनस एक नहीं होनी चाहिए, कारण सामने दिख रहा होगा साफ साफ कि अगर माइनस एक रखा तो माइनस एक प्लस एक जीरो हो जाएगा, बटे में जीरो आने का मतलब फाइनाइट आ जाएगा, तो इसलिए यहां पर एन का वैल्यू जो है वो माइनस वन नहीं होनी चाहिए। चलिए इसी के बाद में एज ए सूत्र ही आप ये लिख लीजिए, जैसे आपको बताया है डी बाई डी एक्स, किसी अचर पद का कॉन्स्टेंट का अवकलन करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है जीरो। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर जीरो का समाकलन करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा सिर्फ कॉन्स्टेंट। क्लियर है, इसके बाद में आपको ये भी एक फॉर्मूले की तरह ही याद रखें क्योंकि बार बार हम काम में आता रहता है, अगर अक्ष का अक्ष के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है एक। तो यहां से हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा कि एक, अब एक लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल मैं डीएक्स लिख रहा हूं, अगर समाकलन में केवल डीएक्स लिखा हुआ हो तो आप क्या रिजल्ट लिखेंगे एक्स। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं चौथे फॉर्मूले पर। आपको पता है कि लॉग के बेस में ई हो तब इसका अवकलन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है वन अपॉन एक्स। जानते अच्छे से, तो अब यहां पर भी हम एक बात देखेंगे कि अगर मैं वन अपॉन एक्स का समाकलन करता हूं, अच्छा ध्यान दो वन अपॉन एक्स का मतलब एक्स की पावर माइनस एक हो गया। अब इस फॉर्मूले में अगर एक्स की पावर माइनस एक होता तो फिर ये फॉर्मूला नहीं होता, फिर इसके लिए ये फॉर्मूला काम में आ रहा है, वन अपॉन एक्स की पावर एक्स डीएक्स हो तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बन जाता है वन अपॉन एक्स डीएक्स के लिए हो जाएगा लॉग और बेस में ई एक्स, इसको हम एल एन एक्स भी लिख देते हैं, बेस में ई होता है लॉग विद नेचुरल बेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको पता है साइन एक्स का अवकलन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है कोस एक्स, तो यहां से कोस एक्स का समाकलन करने पर आपको क्या प्राप्त होगा साइन एक्स और प्लस सी लगाना नहीं भूलना। आपको पता है कोस एक्स का अवकलन करने पर क्या प्राप्त होता है माइनस साइन एक्स। अब ध्यान देना इधर माइनस आ गया तो मैं क्या कर रहा हूं दोनों साइड माइनस से गुणा कर देता हूं, तो माइनस से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स माइनस कोस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स। मतलब ये हुआ कि माइनस कोस एक्स का अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा साइन एक्स, तो साइन एक्स का समाकलन करने पर हमें प्राप्त होगा माइनस कोस एक्स प्लस। ऐसे ही अगर अपन टेन एक्स का अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है सेक स्क्वायर, तो अब बताओ इसी फॉर्मूले से आगे बढ़े कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करते हैं तो क्या मिलेगा अपने को टेन एक्स प्लस। ऐसे ही कोटेक्स का अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखो जैसा यहां किया था अपने वैसे मैं यहां भी दोनों साइड माइनस से गुणा कर देता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हो गया डी बाई डी एक्स माइनस कोटेक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स।
ठीक है, हुआ क्या एक्चुअली, इनकी डिफरेंशिएशन में हम पढ़ते हैं कि माइनस होता है वो बाहर आ गया, कोट का ऑलरेडी माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, यानी क्या बन गया कोसेक स्क्वायर एक्स। अब बताओ यहां से क्या मिला आपने को, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने पर आपको क्या प्राप्त हुआ, माइनस कोट एक्स प्लस सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, dy dx sec x का अवकलन करते हैं तो आपको प्राप्त होता है sec x tan x। तो अब यहां से अगर फॉर्मूला बनाए अपन समाकलन का, तो क्या हो जाएगा sec x tan x का समाकलन क्या प्राप्त हो जाएगा, sec x plus c। ऐसे ही कोसेक अक्ष का अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है माइनस कोसेक अक्ष इंटू कोट एक्स। फिर से वही काम करेंगे अपन, यहां माइनस आ गया, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास में स्थिति बन गई डी बाई डी एक्स माइनस कोसेक अक्ष इज इक्वल टू कोसेक अक्ष इंटू कोट एक्स, यानी कि माइनस कोसेक अक्ष को डिफ्रेंशिएट करने पर आपको क्या मिलेगा, कोसेक अक्ष इंटू कोट एक्स। तो इसका इनवर्स, अगर कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स को आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको क्या प्राप्त होगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ओके, इसी प्रकार से आगे बढ़े, ग्यारहवां फॉर्मूला, आप जानते हैं ई की पावर एक्स को डिफरेंशिएट करने पर हमें e की पावर x ही मिलता है, तो यहां से क्या हो जाएगा, e की पावर x को इंटीग्रेट करने पर, समाकलन करने पर भी हमें क्या मिलेगा, e की पावर x प्लस सी। अच्छा, e की बजाय अगर कोई और नंबर बेस में हो a की पावर x को, तो क्या होता है, a की पावर x log बेस में e को e, ये प्राप्त होता है। अब देखो यहां से भी अगर अपन फॉर्मूला बनाए तो ये क्या होगा, ये कॉन्स्टेंट है, इससे डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो गया डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स अपॉन, ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, लॉग इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। अब बताओ इसको डिफ्रेंशिएट करने पर ए की पावर एक्स मिलने का मतलब ये हुआ कि ए की पावर एक्स को आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ई बेस में ए प्लस। अच्छा, इसको अपन 11th क्लास में जो लॉगरिथम का टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक के अनुसार इसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर ये लॉग ऊपर जाएगा तो इसका बेस चेंज हो जाएगा, मतलब a की पावर x log बेस में यहां a आ जाएगा और ये e पलट जाएंगे प्लस, ये भी आपके पास में प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा जी, इसी प्रकार से लिख रहा हूं डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये पढ़ेंगे, साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, बाद में डिफरेंशिएशन के टाइम पर इस फॉर्मूले को डेरिवेट करके पूरे डिटेल से बताया जाता है। इसी प्रकार से आपको एक फॉर्मूला यह भी याद रखना कि कोस इनवर्स एक्स को अगर अपन डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इस फॉर्मूले में से यहां से अगर मैं माइनस हटाता हूं तो ये माइनस यहां लग गया, तो यहां से इन दोनों फॉर्मूलों से एक साथ आप क्या कर सकते हैं, वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल समाकल क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, और आप लिख सकते हैं माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस। ठीक है, इसी प्रकार से टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स, और कोट इनवर्स अक्ष का डेरिवेटिव होता है
माइनस वन अपॉन वन प्लस। एक बार के लिए आप ये फॉर्मूले याद कर लीजिए, उसके बाद में इनको ये किस प्रकार से आते हैं वो भी बात करेंगे। तो अब इंटीग्रेट करेंगे इनको। अच्छा, यहां से माइनस हटा, इसका मतलब यहां माइनस लग गया, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल जो है वो क्या हो जाएगा, या तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ऐसे ही कोसेक इनवर्स एक्स का सेम ही होता है, सिर्फ माइनस का फर्क होता है। कोसेक इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन होता है माइनस वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। फिर यहां से माइनस हटाया, यहां माइनस तक आ गया। अब देखो इन दोनों से वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, इसके लिए क्या लिखोगे आप फॉर्मूला, या तो लिखेंगे सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, या माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस ए। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जो इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले हमें पता होने चाहिए। ओके, अब अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लेते हैं और इन बेसिक फॉर्मूले पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अपन सॉल्व करें। तो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें उससे पहले अपन क्या करते हैं, दो छोटे छोटे पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। जिस प्रकार से डिफरेंशिएशन में एक चीज अपन जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन किसी कांस्टेंट नंबर के से मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या होता है, ये कांस्टेंट नंबर आगे आ जाता है और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करता है। सेम ऐसे ही समाकलन में इंटीग्रेशन में भी अगर कोई कांस्टेंट नंबर k है वो किसी फंक्शन के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या किया जाता है, ये कांस्टेंट नंबर आगे आ जाएगा और फंक्शन का इंटीग्रेशन। एक तो ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट आप डिफरेंशिएशन में एक बात करते हैं कि अगर दो फंक्शन आपके पास एफ एक्स और जी एक्स बीच में प्लस या माइनस लगा हुआ है तो हम डिफरेंशिएट करते समय क्या करते हैं, पहले फंक्शन एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर देते हैं, बीच में प्लस होता है तो प्लस, माइनस होता है तो माइनस, और फिर दूसरे फंक्शन जी को डिफरेंशिएट करते हैं। ऐसे ही इंटीग्रेशन में भी अगर दो फंक्शन आ रहे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स तो हम क्या कर देते हैं, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग। अच्छा जी, दो ही नहीं, अगर तीन फंक्शन आ जाए, चार फंक्शन आ जाए, पांच फंक्शन आ जाए तो इसी प्रकार से हम क्या कर देते हैं, बीच में प्लस होता है तो प्लस, माइनस होता है माइनस, और अलग अलग जितनी भी पद आए, जितने भी टर्म्स आए उन सभी को अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। दूसरा पॉइंट, अच्छा एक बात आप नोट लगा के लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन में अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो जैसा अपन शुरू से पहली लाइन से बात कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे और आपको क्या मिल जाएगा, वो फंक्शन ही मिल जाएगा। सेम ऐसे ही अगर पहले इंटीग्रेशन हो रहा है, सॉरी पहले डिफरेंशिएशन हो रहा है और फिर इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इस केस में भी क्या होगा, यहां पर डिफरेंशिएशन और फिर उसका वापस इंटीग्रेशन, तो वापस वहां पे वहीं पहुंच गए। लेकिन इसमें देखो बाद में इंटीग्रेशन हो रहा है इसलिए एक साथ में प्लस सी और लग, तो ये पॉइंट भी काफी अहम हो जाता है। ओके, अब अपन
एनसीईआरटी के पर्सन पर। अच्छा एक चीज और जो काफी अहम होगी हमारे लिए, अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स है, इसका इंटीग्रेशन आपको मिल रहा है कैपिटल एफ प्लस, ठीक है, और इस फंक्शन में एक्स की जगह पर कोई लीनियर टर्म रेखीय पद आ गया ए एक्स प्लस बी, ये हमारे लिए बहुत जरूरी होगा क्योंकि कई जगह पर हम यूज करेंगे। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, इस ए से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, इस ए से हम डिवाइड कर, जैसे एनसीईआरटी के पहले एग्जाम्पल का पहला पार्ट ही अपन लेते हैं, नंबर एक बोल रहा हूं, इसमें जो पहला पार्ट है वो ये है कि इंटीग्रेट करना है आपको कॉस टू एक्स। अब देखो अगर ये कॉस एक्स होता तो सिंपल इसका क्या हो जाता, इंटीग्रेशन करते तो आपको मिलता साइन एक्स, लेकिन यहां पर क्या आ गया कॉस टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो इसको लिख दो साइन टू एक्स। अब एक्स का जो कोफिशिएंट है इस फॉर्मूले से, एक्स का जो कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट से हम क्या कर देंगे इसको डिवाइड। अब इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करके, 1 बाय 2 साइन टू एक्स को मैंने लिख दिया 2 साइन एक्स कोस एक्स प्लस सी, 2 से 2 ये कैंसिल आउट, क्या मिल गया आपको साइन एक्स कोस एक्स प्लस सी, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़े, दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है इसी का दूसरा पार्ट, एनसीईआरटी फर्स्ट एग्जाम्पल का सेकेंड पार्ट, इंटीग्रेशन 3x² + 4x³ dx। ध्यान दे रहा, जैसा कि अपन ने अभी जो थॉर्म्स पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग यहां पर दो पद आ रहे हैं, दो पद आ रहे हैं तो अपन क्या करते हैं, हम दोनों को अलग अलग करते हैं, बीच में प्लस है तो प्लस लगाए 4x³ dx, ठीक है। अब कॉन्स्टेंट नंबर होता है उसका क्या करते हैं, अपन इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं, तो अगली स्टेप क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट नंबर इंटीग्रेशन से बाहर आ गया मतलब ये हो गया 3x² dx प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा 4 बाहर आ गया 4x³ dx, ठीक है। अब और आगे बढ़ते अब यहां देखो एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स की पावर एन के फॉर्मूले से क्या हो जाता है एक पावर बढ़ जाएगी मतलब हो जाएगा एक्स की पावर 3 और नीचे भी 3 प्लस, यहां क्या हो जाएगा 4, एक्स की पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 और नीचे भी 4। ध्यान दे इसके लिए अलग से प्लस सी, इसके लिए अलग से प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं है, आप पूरा इंटीग्रेशन हो गया तो एक साथ दोनों के साथ में हम क्या लगा देते हैं प्लस सी, तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस इंटीग्रेशन का, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4, क्यों ये दोनों जगह से कैंसिल आउट हो गया और प्लस ने सी, ये आपका आंसर, ठीक है। चलिए इसके थर्ड पार्ट पर बढ़ते हैं, अब इसको पॉज करके नोट कर लेगा, थर्ड पार्ट आपके पास में इंटीग्रेशन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस हो गया 1/x dx, ध्यान से इसके आगे लिखा हुआ x इज नॉट इक्वल टू 0, इसका रीजन आपको समझ में आ रहा है, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो 1/0 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपके पास में क्या, log mod, अच्छा log जब भी लिखें ध्यान रखें मोड लगाइए, क्यों लगाए, क्योंकि लॉगरिथम जो होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स के लिए ऋणात्मक संख्याओं के लिए डिफाइन नहीं होते, ओके। सेकंड एग्जांपल, मैं क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 है उसका भी फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन x³ - 1/x²dx। अब देखो ऊपर दो पार्ट है नीचे एक पार्ट है, पहले तो अपन क्या करते हैं इस x स्क्वायर को दोनों जगह पर डिवाइड करते हैं, दोनों जगह डिवाइड करेंगे तो यहां x² है यहां x³ है,
तो दो पावर कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा x dx, ठीक है, बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया। अभी x स्क्वायर से ये भी डिवाइड हो गया और ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर, 1 अपॉन x स्क्वायर dx। अब देखो यहां क्या हो जाएगा, x अकेला x लिखा, इसका वाला पावर क्या है 1, x की पावर 1 के लिए क्या हो जाएगा एक पावर बढ़ जाएगी यानी x स्क्वायर बाय 2। अब यहां देखो 1 अपॉन x स्क्वायर आ गया, अपन क्या करते हैं एक फॉर्मूला बना लेते हैं अलग से, कि अगर इंटीग्रेशन में 1 अपॉन x की पावर n हो तो एक्चुअली ये क्या है x की पावर माइनस n, और x की पावर माइनस n है तो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग उसमें एक ऐड कर देंगे, क्लियर हो रही है बात। अब यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा ये, और यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो अच्छा x के ऊपर पावर माइनस में है, पावर माइनस में इसका मतलब नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास में तो फॉर्मूला बनेगा, देखो एक तो इसमें माइनस आ गया तो मैं यहां लगा देता हूं माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, या अपने फॉर्मूले जो लिखे हैं उन्हीं में ऐड कर लेना इसको भी, तो x की पावर एन माइनस प्लस ए माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 और x की पावर एन माइनस। अब आपको लग रहा होगा कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं और पावर माइनस हो रही, कम हो रही है, कम नहीं हो रही है, इसलिए ये डिनोमिनेट हो गई, पावर कम होने का मतलब पावर इंक्रीज हुई, ठीक है। पहले जैसे माइनस में एन थी, अब क्या होगी माइनस में एन माइनस 1, क्या हो जाएगा प्लस ए। अब बताओ यहां पे क्या हो गया माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो पहली बार तो माइनस आ जाएगा, उस माइनस से ये माइनस क्या बनेगा प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1, 2 माइनस 1 1 हो गया, और x की पावर एन माइनस 1 मतलब सिंपल x की पावर 1 बन जाएगा प्लस, ठीक है। सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट है अपना x टू दी पावर 2 बाई 3 प्लस 1 dx, तो अगर अलग अलग करें x की पावर 2 बाई 3 dx और प्लस 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल dx। अब देखो 2 बाई 3 में क्या करना है, पहले 1 ऐड करना है, तो x की पावर 2 बाई 3 प्लस 1 अपॉन 2 बाई 3 प्लस 1 प्लस, और dx का फॉर्मूला लिखा ही अपने प्लस c, 2 बाई 3 प्लस 1 को क्या लिख देंगे 5 बाई 3, ये 5 बाई 3 नीचे भी आएगा 5 बाई 3, तो मैं क्या कर रहा हूं 5 को तो नीचे छोड़ देता हूं और इस 3 को न्यूमेरेटर में लेके उसको ऐसे कर, ओके। थर्ड, इसका थर्ड पार्ट है इंटीग्रेशन x की पावर 2 बाई 3 प्लस 2 e की पावर x माइनस 1 अपॉन, तो यहां से क्या हो जाएगा अलग अलग देखो x की पावर 2 बाई 3 अभी किया है अपने, तो कितना आ जाएगा 3x की पावर 5 बाई 3 अपॉन 5 प्लस, यहां दो कॉन्स्टेंट है आगे आ गया e की पावर x का, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा log बेस e में और प्लस ए, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो जब साइन एक्स अलग कर देंगे तो ये हो गया साइन एक्स डी एक्स, प्लस कोस एक्स अलग कर दिया तो कोस एक्स डी एक्स। अब बताइए साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कोस एक्स और कोस एक्स का साइन एक्स प्लस एक्स, क्या आंसर। तो यहां से छोटा जो क्वेश्चन आता है अपने बोर्ड एग्जाम में एक नंबर के लिए वो क्वेश्चन अहम हो जाता है, बहुत ही मतलब विद इन सेकेंड होने वाले क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, बस थोड़ा सा कि फॉर्मूला अगर आपने गलत अप्लाई कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया। तो और आगे बढ़ते हैं, इसका जो ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट
आप अपनी एनसीईआरटी को डाउनलोड कर लें और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूं वैसे वैसे आप उन क्वेश्चन को देख करके पूरा सॉल्व कर सकते हैं। cosec x into cosec x plus cot x dx, तो ये क्या हो जाएगा, देखो cosec x cosec से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x dx प्लस ये cosec x cot x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cosec x into cot x dx। अब cosec स्क्वायर के लिए भी फॉर्मूला आपके पास में क्या है, माइनस cot x, और cosec x into cot x के लिए फॉर्मूला है माइनस cosec x और लास्ट में प्लस से या आंसर। नेक्स्ट वन माइनस फर्स्ट पार्ट है इसका, वन माइनस साइन x अपॉन cos स्क्वायर x dx। अब देखो इसको दो पार्ट में करेंगे अलग अलग, वन अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो गया sec स्क्वायर, समझा रहे बात को, वन अपॉन कॉस होता है sec, वन अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, फिर बीच में माइनस है तो हमने माइनस अप्लाई कर दिया। अब देखो sin x अपॉन cos स्क्वायर, तो sin x अपॉन cos x तो हो गया 10, अब एक cos और बच गया, उस cos को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा sec, तो ये बन गया अपने पास में sec x into tan x dx। अब sec स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा tan x माइनस sec x into tan x के लिए क्या हो गया sec x plus c, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही एक क्वेश्चन है, मैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है थोड़ा सा लैंग्वेज उसमें लिखी हुई उसकी लैंग्वेज आपके सामने लिख देते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन हमारे सामने ये है, लैंग्वेज लिखी हुई है एफ एक्स बराबर 4x³ - 6 द्वारा परिभाषित फलन स्मॉल एफ का प्रति अवकलन, इसने वर्ड यूज किया प्रति अवकलन, प्रति अवकलन मतलब अवकलन का उल्टा, अवकलन का उल्टा मतलब समाकल, समाकल कैपिटल एफ याद कीजिए जहां एफ ऑफ जीरो कैपिटल एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू 3, मींस में फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव मींस इंटीग्रल ऑफ कैपिटल एफ ऑफ ए फंक्शन स्मॉल एफ डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ - 6। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स, सॉल्यूशन देखिए कैपिटल एफ ऑफ एक्स है वो क्या है स्मॉल एफ ऑफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव है, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल, यानी कि अब हमारे सामने यह आ जाएगा 4x³ - 6 इंटू dx। तो यहां से कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, 4x³ के लिए क्या देगा 4 × x³ के लिए x की पावर 4/4 - 6 12 आ गया, अकेला dx बचा, अकेले dx के लिए क्या हो जाएगा dx और प्लस में c, यानी कि हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं x की पावर 4 - 6 x प्लस c। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कैपिटल एफ जीरो इज इक्वल टू 3, तो यानी फंक्शन कैपिटल एफ में अक्स को रिप्लेस करना है जीरो से, तो ये क्या हो जाएगा 0/4 - 6 इंटू 0+c, तो ये क्या हो जाएगा सी इज इक्वल टू 3, तो सी इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। अब इस सी को रिप्लेस कर दीजिए वापस क्या होता है, तो क्या हो गया therefore capital F of x is equal to x की पावर 4 - 6 x plus c, या final answer। okay, तो just इसके बाद में आपका exercise 7.1 दे रखी है, आप इसको solve कीजिए, जो भी problems हैं उनको tick कर लीजिए और जैसे ही अपना नेक्स्ट चैप्टर लेक्चर आएगा उसमें मैं 1 by 1 सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व करूंगा और एक एक क्वेश्चन को आप केयरफुली समझेंगे, आपके जो डाउट है वो क्लियर करेंगे और इस प्रकार से कंटिन्यूअस हम 1 by 1 आगे बढ़ेंगे। ओके।